नमस्कार, मैं निकिता वांगते स्टार एफएक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेगमेंट है स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में मैं आपको जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाली हूँ। एक दिन मिस्टर दवे मंदिर से दर्शन लेकर घर जा रहे थे तो पीछे से आवाजें आने लगी। पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ओ साहब, 10 रुपए का ही हार है, ले लो ना, 10 रुपए का ही है, ले लो। इतने में देखा तो वो मिस्टर दवे के पास आकर खड़ा हो गया और मिस्टर दवे से कहने लगा कि ओ साहब, 10 रुपए का ही हार है। मिस्टर दवे ने उस लड़के से कहा कि मैं तो दर्शन करके आ गया, लेकिन ये ले, तू 10 रुपए रख ले। उन्होंने अपने जेब से 10 रुपए निकाले, उस लड़के को थमा लिए और चलते बने। इतने में थोड़े आगे गए ही थे तो पीछे से और आवाजें आने लगी कि ओ साहब, आपने हार की कीमत तो चुका ली, तो आपको हार लेके जाना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप ये हार अपने घर लेके जाइए। मिस्टर दवे ने कहा कि अरे, ये पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं साहब, आपको ये हार घर पे लेके जाना ही पड़ेगा। मिस्टर दवे ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आज तुम मेरे बदले तुम चले जाना मंदिर। ये बात सुनकर लड़के के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने बोला कि हाँ साहब, ये तो ठीक है। अब क्या था, अब मिस्टर दवे आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से और आवाजें आने लगी कि ओ साहब, रुको ना। अब मिस्टर दवे को लेट हो रहा था तो उन्होंने एक इरिटेशन भरी आवाज में कहा कि अब क्या है, छोड़ मेरा पीछा, भाग यहाँ से। लड़का बोला कि साहब, आपका नाम क्या है, जब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगा तो आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर दवे के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरे नाम तो हम लोग एक दूसरे के रखते हैं, ऊपर वाले के लिए तो सब सेम ही होते हैं। एक काम करना, तुम सबके लिए प्रार्थना करना। तो सोचने वाली बात यह है कि आज भी अगर हमारे होठों पे स्माइल आती है तो सोचिएगा जरूर कि ये किसी की प्रार्थनाओं का असर है। Someone is praying for your smile. How was that? Isn't it amazing or magical? Keep watching Star FX News. Like, subscribe and share.